डब्बे यहाँ सब खाली कर ले, पर्स वहां सब खाली करके पटक गए, वो पर्स पड़ा हुआ। एक पीढ़ी वो पैदा अपना था जावेद कैसे आ खान। गया, मतलब पूरी पिछली फर्स्टली सवा 1 से 1.5 के बीच में उन्होंने स्ट्रीट लाइट फोड़ी, उसके बाद साइड वाले घर में उन्होंने चोरी करी। साइड वाले घर में चोरी करी तब तक हमारा गेट लॉक कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद वो छत के द्वारा आए, दो लोग छत के द्वारा आए और फिर उन्होंने हमारा गेट को थोड़ा सा नॉक किया। फिर उसके बाद हमें पापा को धमकाने पर हमारे पापा ने फिर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने हमारे पापा को चाकू की नोक पर रखा। उसके बाद फिर मुझे चाकू की नोक पर लेके अंदर बेडरूम में ले गए, वहाँ पर लॉकर को खुलवाया। लॉकर खुलवाने के बाद मुझे वापस हॉल में लिया है। तब तक उन्होंने लॉकर में से सारी चीज़ें निकाल ली थी। उनके हाथों में बहुत सारे औजार थे, औजार भी सारे थे लगभग, चाकू से लेकर गुत्थी, सब्बल, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कितने लोग थे और क्या क्या किस तरह के कपड़े पहने थे? चार लोग थे, कपड़े तो नहीं पहने थे, मतलब सिर्फ अंडरवेयर पहने थे और बाकी तो कुछ नहीं पहने थे, और बस और फेस पे स्कार्फ बांधा था। हाथों में क्या किस तरह के हाथों में कुछ नहीं, हाथों में बस उनके औजार थे, हथियार किसी थे। भी चीज को किस तरह से उन्होंने उठाया? उठाया क्या उठाया उन्होंने, कुछ हमारे सामने कुछ नहीं उठाया। वो अंदर गए, उन्होंने लॉकर खुलवाया, वापस मुझे हॉल में ले आए, फिर उन्होंने अकेले गए, अकेले सारी चीज़ें उन्होंने ली और फिर बाहर आए। हाथों में भी कुछ पहन रखा था क्या उन्होंने? नहीं, हाथों में भी कुछ नहीं पहन रखा था ना, वो लोग चप्पल पहने थे, कुछ नहीं पहने थे। ज्वेलरी निकलवाई, मंगलसूत्र मेरा निकलवाया, कान की वगैरह सारी ज्वेलरी उन्होंने निकलवाई मुझसे। अच्छा, कितना क्या कुछ था आप लोगों का? करीब करीब 1 से 1.5 लाख गए, 35 से 40 हज़ार रुपये नकद गए, बाकी ज्वेलरी गई। कितनी क्या ज्वेलरी थी, क्या क्या था ज्वेलरी में? ज्वेलरी में कान की बालियाँ थी, मतलब टॉप्स थे, गले का मंगलसूत्र था, पैर के थे, पायजब थी।